सो हे गाइस, अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप क्लास का बैंक माना जाता है, अगर आप इसमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस अकाउंट के अंदर कितने ज़्यादा हिडन चार्जेस देने पड़ेंगे। भाई आप मानोगे नहीं कि SBI ने पिछले 5 सालों में इन जीरो बैलेंस अकाउंट से 300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। इस बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में कितने तरह के हिडन चार्जेस हैं और कितनी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे फुल डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो फिर चलिए बढ़ते हैं वीडियो। यहाँ पे गाइस बहुत से लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि BOB में जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर ऐसी हवा बनाई जा रही है मार्केट में। यहाँ पे जैसे देख सकते हो BOBworld.com, ये BOB की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये हमें 3 तरह के टोटल अकाउंट प्रोवाइड करता है जो कि ऑनलाइन हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला अकाउंट है B3+ अकाउंट, दूसरा है B3 Edge अकाउंट और तीसरा है B3 Ultra अकाउंट। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो B3 जो प्लस अकाउंट है उसमें इनिशियल फंडिंग 0 से लेके हम 25,000 में 1 रुपये कम कर सकते हैं, और B3 Edge अकाउंट में इनिशियल फंडिंग 25,000 लेके 50,000 में 1 रुपये कम, और B3 Ultra में 50,000 से 50,000 और अबव इसमें हम इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं। अभी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कुछ लोग तो ये जीरो देख लेते हैं कि इनिशियल फंडिंग में जीरो है तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, और कुछ देख लेते हैं 24,999 तो उन्हें लगता है कि भाई जीरो बैलेंस है ही नहीं। तो भाई वो मैक्सिमम फंडिंग है और मिनिमम जीरो हो सकती है, यानी कि कुछ भी ना रखो तो भी चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 या फिर 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और इनकी एक एप्लीकेशन आती है एम कनेक्ट करके, जिसका नाम अभी बीओबी वर्ल्ड हो चुका है, तो वो इंस्टॉल करनी आपको एप्लीकेशन जरूरी है, क्योंकि वहीं से आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब भाई फैसिलिटी के नाम पे ये बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इनकी एक अलग सी कंडीशन भी है कि अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको विदिन 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई भी ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा आपको। और इवन इस बैंक में आपको अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। वीडियो KYC आप अपने फोन से ही कर सकते हो, तो आपको इसमें ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ये फुली डिजिटल अकाउंट है। और जो जो फैसिलिटी आप दूसरे डिजिटल अकाउंट पे देखने को मिलती है वो सारी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, UPI वगैरह सब चीज आप इसमें कर सकते हो। अभी बात करते हैं डेबिट कार्ड की, तो इसमें आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड मिलेंगे, एक आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड और एक आपका फिजिकल डेबिट कार्ड। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे आपको उसी वक्त मिल जाएगा, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह उसका यूज कर सकते हो और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात फिजिकल वाले डेबिट कार्ड की, तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा फुल KYC हो जाएगी तो आपका जो वेलकम किट है वो आपको 7 दिन के अंदर आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, तो उसके अंदर आपका डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और फुल KYC, ध्यान रखना अगर आपकी फुल KYC हो जाती है तो उसमें आपको चेकबुक भी मिल जाएगी 10 लीव्स की। और जो आपका फिजिकल वाला डेबिट कार्ड है वो आपको 1 साल के लिए तो फ्री देखने को मिलता है, 1 साल के बाद आपको 150 रुपीज़ प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। और भाई आप अगर ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर भी कर सकते हो, अगर बढ़िया लगे तो 1 साल का चलाना वरना फिर बंद करवा देना। इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 का ही विड्रॉ कर सकते हो। और अब बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ATM में चले जाना, आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी फ्री देखने को मिलेंगी। और लेकिन अगर आप नॉन BOB ATM में जाते हो तब आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी मेट्रो सिटीज में और आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी नॉन मेट्रो सिटीज में। अभी हम बात करें अगर फंड ट्रांसफर लिमिट की, तो इसमें आपको NEFT, RTGS, IMPS तीनों चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जो NEFT और RTGS है वो आप पर डे 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है और IMPS सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। और आप NEFT, RTGS या IMPS तीनों में से कोई सा भी करो, आप मैक्सिमम 50,000 तक की पर ट्रांजेक्शन में कर सकते हो। पर डे की लिमिट आपको इसमें 2 लाख मिल जाती है। यानी कि जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेते हो और KYC कंप्लीट कर देते हो तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक वेलकम किट आपके घर पे भेज दी जाएगी, उसमें आपका डेबिट कार्ड रहेगा और आपकी फुल KYC है तो आपको चेकबुक भी मिल जाएगी 10 लीव्स की। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर अकाउंट डिजिटल है तो पासबुक की भी उम्मीद मत रखना। अभी यार मान के चलो कि मैंने डिजिटली अपना अकाउंट ओपन कर लिया बिना ब्रांच गए, लेकिन अगर कल को मेरे बैंक के साथ या फिर मेरे अकाउंट के साथ कुछ फेलियर हो जाता है तो उसमें क्या होगा? ऐसा होगा नहीं, लेकिन भाई फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेके चलते ही हम। तो भाई उसके लिए RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो भाई DICGC आप खुद गूगल पे सर्च करके देखना और यहाँ पे देख सकते हो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इंश्योर्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, यानी कि जितने भी तरह के हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं वो सारे ही इंश्योर्ड होते हैं। अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जाऊँ तो एक PDF खुल के आ जाएगी और जैसे देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम यहाँ पे है सबसे ऊपर में, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप भी अपना इसमें बैंक चेक कर सकते हो, वैसा तो मिल जाएगा लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना एक बार। अगर आपके बैंक के साथ कल को कुछ भी फेलियर हो जाता है तो उसमें आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि 5 लाख तक का आप मैक्सिमम इसमें क्लेम ले सकते हो। अगर मान के चले कि आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख थे तो 3 लाख मिलेंगे, 5 लाख थे तो 5 लाख मिलेंगे, 6 लाख थे तो भी 5 लाख ही मिलेंगे,
मैक्सिमम आप इसमें 5 लाख तक का क्लेम ले सकते हो। और भाई बीओबी के अंदर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन अगर करना चाहते हो तो सिंपली इनका बीओबी वर्ल्ड ऐप करके आता है, उसको आप डाउनलोड करोगे, वहां से आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको थोड़ी सी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, अपना जीमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी होगी वो डन होगी, उसके बाद बन गया आपका अकाउंट। आपके मेल पे आपके जितनी भी अकाउंट की डिटेल्स है वो भेज दी जाएगी और वहां से आप फिर बीओबी ऐप के अंदर लॉग इन कर सकते हो। सो गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।